हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ द फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ, दैट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ या जीवन का सबसे मूल यूनिट इकाई क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पिछला मैंने इस चैप्टर पे एक वीडियो बनाया था कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड, जिसमें काफ़ी बच्चों की शिकायत थी कि आवाज़ नहीं आ रही है, वॉल्यूम बहुत कम है। तो इस बार मैं इसको एक बार फिर से बना रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बार आवाज़ आपको आई होप सही सुनाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ का सबसे मूलभूत, सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉर्क सेल जो होते हैं, कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो होता है किसी भी प्लांट का एक बाहरी लेयर होता है, जिसको छाल बोलते हैं। बार्क, जो स्टेम आप देखते होंगे बहुत हार्ड होता है, रफ होता है, उसका पतला स्लाइस एक साइंटिस्ट जो थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, तो उन्होंने उसके पतले स्लाइस को काटा और अपने हाथ से ही बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था सिंपल सा, उसकी हेल्प से उन्होंने उसमें उस स्लाइस में देखा। तो एक्सीडेंटली अचानक से उनको दिखा कि उस पतले से जो टुकड़ा उन्होंने महीन सा काटा था बार्क का, उस या कॉर्क सेल का, कॉर्क का, तो कॉर्क की लकड़ी यानी कि जो साइड पतला स्लाइस होता है बार्क का, तो उसमें उन्होंने देखा कि बहुत छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो छोटे छोटे बॉक्स से उन्होंने एक वर्ड दे दिया, सेलुली। सेलुली का मतलब होता है इंग्लिश में सेल, सेल यानी छोटा रूम। जैसे जो जेल होता है, जेल के जो रूम्स होते हैं कैदियों के, उसको भी सेल बोलते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उसी तरह एक छोटे से रूम को सेल बोला जाता है। तो इन जो कॉर्क सेल में पतले से स्लाइस में, कॉर्क के पतले से स्लाइस में इनको छोटे छोटे बॉक्स दिखे, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया, सेलुली नाम दे दिया, जिसको बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट करके सेल नाम दिया गया, जिसका सेम मीनिंग है। ठीक है, तो इस तरह सेल का खोज हुआ, डिस्कवरी हुआ कि सेल नाम का कोई चीज़ होता है जो लिविंग बींग्स में होता है। ठीक है, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ही होता है। इसके बाद और एक्सपेरिमेंट हुए, रॉबर्ट हुक के बाद कुछ और साइंटिस्ट हैं, जैसे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो थे वो भी साइंटिस्ट थे। उन और रॉबर्ट हुक से काफ़ी सालों बाद उन्होंने ये फाइंड आउट किया, पाया, ये क्या पाया उन्होंने कि उन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले देखा। जो कॉर्क सेल होते हैं, जो कॉर्क लकड़ी में पाए जाते हैं, वो तो डेड सेल होते हैं। आप अगर हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्लांट में कुछ लिविंग सेल्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग सेल्स, और लिविंग नॉन लिविंग सेल्स भी बॉडी को सपोर्ट करते हैं अलग अलग पर्पज के लिए। तो इसी तरह ये कॉर्क सेल भी डेड होता है, मतलब सेल्स तो होते हैं इनिशियली जब ग्रो करते हैं तो लिविंग होते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद ये मैच्योर होते हैं तो डेड हो जाते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन कुछ और होता है, सपोर्ट देना और स्ट्रेंथ देना और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये डेड सेल थे, लेकिन लिविंग सेल को सबसे पहले किसने माइक्रोस्कोप में देखा, एंटोनी लीवेनहॉक ने। एंटोनी लीवेनहॉक ने और थोड़ा अच्छा एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया एज कम्पेयर टू रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक से थोड़ा अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बनाया, उसमें उन्होंने पॉन्ड यानी तालाब से पानी लिया, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, उनके सेल्स को उन्होंने देखा। तो इसलिए सब लिविंग सेल्स को देखने का पहली बार क्रेडिट किसको जाता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ही रिसर्च और एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन चलते रहे, और इसके बाद ओवरऑल कंक्लूजन यही आया कि जो सेल है वो हर लिविंग बींग में पाया जाता है, अलग अलग शेप का, अलग अलग आकार का पाया जाता है। अब इसके आकार, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिलहाल देखते हैं व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, तो हम लोग अभी पढ़ लिए कि रिसर्च के बाद ये प्रूव हुआ कि सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो किससे बना रहता है, सेल से बना रहता है। अब वो सेल कैसा दिखता है, उसके स्ट्रक्चर अंदर के कैसे होते हैं, इसको देखने के लिए फिर क्या बना, माइक्रोस्कोप। समय समय पर माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आया और अच्छे हाई पावर के माइक्रोस्कोप बने। ठीक है, जैसे रॉबर्ट हुक ने सिंपल सा बनाया था माइक्रोस्कोप, उसके बाद और टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई और अच्छे अच्छे हाई रिजोल्यूशन और हाई मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप बनते गए।
तो इस तरह से एडवांसमेंट साइंस के फील्ड में होता रहा और जितना एडवांसमेंट हुआ उतना ही फायदा हुआ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप जहाँ तक इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें एक आई पीस होता है जिसमें से ऐसे कर आँख लगा कर देखते हैं, और एक होता है ऑब्जेक्ट पीस, यानी जहाँ पर स्लाइड, यहाँ पर स्लाइड रखी जाती है, यहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट पीस, यानी वो लेंस जो है उस स्लाइड की तरफ रहता है जिसमें हमारा छोटा सा सेल किसी भी चीज़ का होता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग आँख लगा कर देखते हैं, और ये जो होता है रोटेट करने के लिए होता है जिससे हम लोग लेंस को पास या दूर ले जा सकें, और साथ में इसमें अलग अलग पावर का यहाँ पे लेंस लगा रहता है, अलग अलग रिजोल्यूशन का, यानी कोई सेल बहुत छोटा है तब वो कम पावर वाले लेंस नहीं होगा, तो इसको रोटेट करके हाई पावर वाला लेंस उस स्लाइड की तरफ करेंगे और फिर आई पीस से देखेंगे उसको थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर नीचे करके रोटेट करके। तो ये एक पिक्चर है कमल माइक्रोस्कोप का, जिसकी हेल्प से हम लोग छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को या सेल को इजीली देख पाते हैं। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही सेल को देखा जा सका, अदरवाइज सेल कैसा होता है क्या होता है नहीं देख पाते, क्योंकि ह्यूमन आई तो नहीं देख पाती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं ये सेल्स। अब उसके बाद ओनियन पील, जैसा कि आप लोग को मैंने एक बार लिंक भेजी थी ओलैप्स की, जिसमें ओनियन पील का एक एनिमेशन वीडियो दिया था कि किस तरह से ओनियन के पील से, ओनियन के छिलके से हम लोग क्या बना सकते, मतलब देख सकते हैं उसके सेल्स को, कि उसके सेल्स कैसे बने होते हैं, किस करते हैं। तो वही इसमें दिया है कि ओनियन पील लेंगे और फिर क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड का आकार कैसा होता है, ऐसा होता है ग्लास का होता है, कांच का ट्रांसपेरेंट, उस पर ओनियन पील फैला कर ऐसे रख देंगे, उस पर फिर वाटर डाल देंगे, वाटर डालने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें रेड कलर का क्या डालेंगे, सेफ्रेनिन, उसके ऊपर पूरा डिजॉल्व कर सेफ्रेनिन डाल देंगे, और सेफ्रेनिन डालने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा जिलेटिन डाल देंगे, जिलेटिन वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट होता है, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, उसके ऊपर कवर स्लिप, एक ट्रांसपेरेंट बहुत ही महीन सा कांच का ग्लास रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि उसमें बबल्स ना आए, ठीक है। तो बबल्स अगर आ जाएंगे तो क्लियर इमेज माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा, तो हमको इस तरह से रखना है, सारे एक्टिविटी करना है और साथ में लास्ट में कवर स्लिप इस तरह रखना है कि कोई बबल ना बने अंदर। फिर ये सब सारा स्टेप हो जाएगा तो हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो हम लोग इस तरह का पिक्चर पाएंगे कि ओनियन पील के जो सेल होते हैं, ओनियन में जो सेल होते हैं उसके छिलके में, वो इस तरह के जैसे दीवार में ईंटें होते हैं उसी तरह एक दूसरे सटे रहते हैं, रेक्टेंगुलर, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और इनके मिडिल में डार्क स्पॉट दिखता है, एक काला धब्बा जैसा, या सेफ्रेनिन केमिकल डालेंगे जो पिंक कलर का होता है या रेड कलर का, तो वो आपको थोड़ा सा डार्क रेड कलर का दिखेगा स्पॉट हर सेल के लगभग मिडिल में या थोड़ा सा साइड में। तो वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जो सेल के सेंट्रल पार्ट होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे पिछले क्लास 8th में, तो वही वो इस एक्सपेरिमेंट में केवल सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और साथ में न्यूक्लियस दिखता है, और अंदर इंटरनल पार्ट्स इस माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते हैं, उसके लिए और हाई माइक्रोस्कोप और साथ में अलग कुछ केमिकल्स सेल्स में डाले जाते हैं, तब वो हम सेल ऑर्गेनल देख पाएंगे, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से केवल हम लोग सेल्स का अरेंजमेंट, उसका ओवरलुक यानी बाहरी सरफेस और न्यूक्लियस देख पाते हैं, न्यूक्लियस का एक डार्क स्पॉट देख पाते हैं, वो क्लियर इमेज नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह का दिखता है हमको सेल किसका, ओनियन पील का। अब ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करते हैं ओनियन पील का, उसमें जिलेटिन क्यों डालते हैं क्वेश्चन आता है, तो जिलेटिन इसलिए डालते हैं क्योंकि जो भी हम लोग स्लाइड बनाते हैं वो तुरंत सूखने लगता है, क्योंकि बहुत ही पतला परत हम लोग लेते हैं किसी भी चीज़ का, बहुत ही महीन, थिनेस्ट, जितना पॉसिबल हो सके जितना थिन लेंगे उतना ही क्लियर इमेज हमको दिखेगा माइक्रोस्कोप में, थिक लेंगे तो नहीं दिखेगा इमेज। तो हमेशा ट्रायल रहता है कि थिनेस्ट ऑब्जेक्ट लिया जाए, सबसे पतला, तो थिन लिए तो जल्दी ट्राई करेगा, और हम लोग सेफ्रेनिन डालते हैं वो भी जल्दी वेपरेट हो सकता है, इसीलिए जिलेटिन डालेंगे, तो जिलेटिन क्या करता है कि मॉइस्चर को बनाए रखता है और हमारा जो स्लाइड बनाया है कुछ घंटों तक या कुछ एक दो दिन तक भी रह सकता है,
अगर वो नहीं डालेंगे जिलेटिन तो तुरंत सूख जाएगा, और जब हमारा स्लाइड में रखा हुआ ऑब्जेक्ट सूख जाएगा तो लेंस हमारे माइक्रोस्कोप में कुछ भी हमको नहीं दिखेगा, और फिर से हमको सेम एक्टिविटी पूरा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसीलिए जेलेटिन डाला जाता है ताकि मॉइस्चराइज रखे और ड्राई होने से हमारे ऑब्जेक्ट को बचाए। उसके बाद आता है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, वही जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो ओनियन में दिख रहा है ये क्या स्ट्रक्चर है, ये सेल्स हैं। जो दीज आर लुकिंग लाइक जस्ट दीज आर जस्ट लुकिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ द ब्रिक्स इन द वॉल, यानी दीवार में जैसे ईंटें अरेंज होती हैं सीमेंटेड एक दूसरे सटी हुई, उसी तरह ये सेल्स भी अटैच हैं। उनके सेंटर में डार्क स्पॉट है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके चारों तरफ सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। हालांकि आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्लियरली इतना विजिबल इस एक्टिविटी या इस प्रैक्टिकल से नहीं समझ में आएगा, लेकिन सेल वॉल तो क्लियर दिख जाएगा। सेल मेम्ब्रेन जस्ट पास में होता है सेल वॉल के, तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा इसमें। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं ओनियन बल्ब से। ओनियन को बल्ब क्यों बोला गया है, क्योंकि ओनियन जो है एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, ये रूट नहीं है, स्टेम है। और जो उसका बहुत सारे लेयर बाई लेयर लीव्स पत्तों के जैसा इसका लेयर होता है, इसको खोल सकते हैं हम लोग। ओनियन को काटते हुए आप देखते होंगे बहुत सारा लेयर होता है, तो लेयर्ड जो स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक, हार्ड लीफ लाइक, इसी को बल्ब बोलते हैं। और चूंकि ये स्टेम है तो इसका थोड़ा सा अलग नेचर होता है, स्वेल कर जाता है इसके लीव्स, मतलब लीफ जैसा लगता है लेकिन है स्टेम, क्योंकि इसमें बहुत सारा फूड इसका स्टोर हो जाता है। और नीचे के स्टेम आप देखेंगे थोड़े थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, वो उसका असली रूट होता है। बाकी ऊपरी हिस्सा जो रेडिश कलर का या पिंक कलर का प्याज का होता है वो स्टेम है, और उसके ऊपर ग्रीन जो अभी आप देख रहे होंगे आजकल मार्केट में आ रही है प्याज, उसमें हरे हरे निकलते हैं वो लीव्स होते हैं, यानी लीव्स ऊपर निकल रहे हैं, स्टेम ये है रेड हम जो खाते हैं अक्सर, और नीचे है रूट पोर्शन, और ये जो रेडिश पोर्शन हम लोग खाते हैं वो बल्ब है, यानी अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ हिस्टोरिकल बातें, क्या क्या हुआ है सेल से रिलेटेड, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इस मोर पॉइंट टू नो में। इसमें यही दिया है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का खोज किया, सेलुली वर्ड दिया जिसको बाद में सेल इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको सेल वर्ड दे दिया गया, यानी एक छोटे से कमरे जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने, हनी कॉम जैसे होता है मधुमक्खी का छत्ता, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस दिखते हैं हेक्सागोनल शेप के। हालांकि ये हेक्सागोनल नहीं दिखा था कॉर्क सेल में रॉबर्ट हुक को, लेकिन उसी तरह का ढेर सारा बॉक्स दिखा था जिसको उन्होंने सेल नाम दिया। फिर उसके बाद ल्यूवेन हॉक एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक, बहुत लंबा नाम है इनका ये, तो इन्होंने 1674 में लिविंग सेल को देखा, पॉन्ड से सैंपल लेके, पॉन्ड के वाटर को लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा, तो उसमें उन्होंने लिविंग सेल को देखा, और वो जो कॉर्क सेल था वो डेड सेल था, तो ये एक्टिव हुआ था। इसके बाद जो से अभी हम लोग एक्टिविटी का पिक्चर देखे थे कि ओनियन पील का सेल्स जब देखे माइक्रोस्कोप में तो बीच में डार्क स्पॉट दिखता है, लगभग मिडिल में सेंटर के अराउंड, वो डार्क स्पॉट क्या होता है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के बारे में खोज सबसे पहले किसने की, किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये मैंने आपको टेस्ट में भी पूछा था कि न्यूक्लियस किसने खोजा था, तो बहुत सारे लोगों ने रॉबर्ट हुक लगा दिया था, तो ये गलत था। रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया था सबसे पहले, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का, सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है जो उसको कंट्रोल करता है उसका फंक्शन, उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर उसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब लाइफ गिविंग लिक्विड, लाइफ गिविंग लिक्विड या लाइफ लिक्विड यानी जिंदगी देने वाला लिक्विड, जैसे सेल हो गया, जैसे कि आप समझिए इसे ये एक सेल हो गया, ठीक है, और इसमें एक न्यूक्लियस हो गया सेंटर में। अब उसके बाद ये जो पोर्शन है सेल के, ये बाउंड्री है, ये पूरा ये पूरा केवल बाउंड्री को छोड़कर, जो रेड वाला मैंने बनाया है, यानी सेल का बाहरी बाउंड्री छोड़ करके बाकी जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, उसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइफ गिविंग सारी चीज़ें
उपलब्ध होती है, प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस में बहुत सारे चीज़ें होती है, क्रोमोजोम, डीएनए, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं करेक्टर माता पिता से बच्चों में, जैसे हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वेस्ट का रिमूवल होता है, और भी सारे फंक्शन होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल में। तो इसीलिए इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, लाइफ गिविंग लिक्विड है, एक लिक्विड जैसा ये पूरा होता है एरिया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जेली लाइक लिक्विड होता है, और इसमें बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो इसको प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? पुर्किंजे, एक साइंटिस्ट हैं पुर्किंजे, उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म इसको नाम दिया। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म और सेल का बाउंड्री, सेल के बाउंड्री के अंदर जो भी होता है वो प्रोटोप्लाज्म में, सिंपल समझ सकते हैं, उसमें न्यूक्लियस भी होता है साइटोप्लाज्म में भी। लेकिन न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, लेकिन अगर न्यूक्लियस को नहीं काउंट करें तो फिर वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म, बचा हुआ एरिया, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों आता है, और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको उसमें नहीं गिनते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि एनिमल का बॉडी हो या प्लांट का बॉडी, सभी में सेल्स पाया जाता है, और लगभग एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जैसा कि हम लोग जानेंगे या कुछ पिछले क्लासेस में भी समझे हैं कि सेल वॉल किसी में होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन सेल तो होता ही है, चाहे प्लांट हो या एनिमल। अब उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, मैथियास क्लिडन, एक मिनट, यहाँ पे नाम दिया है उन दोनों लोगों का, मैथियास क्लिडन और थियोडोर स्वान। मैथियास क्लिडन जो थे बॉटनिस्ट थे, या बॉटनिस्ट में तो होता है कि प्लांट या प्लांट के सेल्स के बारे में स्टडी जो करता हो, रिसर्च करता हो, उनको बॉटनिस्ट बोलते हैं। तो मैथियास क्लिडन जो थे बॉटनिस्ट थे, और थियोडोर स्वान जो थे ये जूलॉजिस्ट थे, ये एनिमल और एनिमल सेल्स के ऊपर रिसर्च और स्टडी कर रहे थे। तीन दोनों लोगों ने मिलकर के एक थ्योरी दिया जिसको बोला जाता है सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि सारे जो एनिमल, सारे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है भी है, एनिमल है या प्लांट है, वो सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और ये सेल कहाँ से आता है? तो इसी सेल थ्योरी में एक और पॉइंट किसी और थर्ड साइंटिस्ट ने डाल दिया, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने इसी में एक और पॉइंट डाल दिया कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हर जो सेल है अभी वो पहले अपने पहले के सेल से आया होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन उस समय एक बड़ा ही मेजर कंक्लूजन था उस समय के लोगों के लिए, ये तो बहुत चमत्कार या एक्सेप्शनल स्टेटमेंट था। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने माता पिता से हैं, और हमारे माता पिता अपने माता पिता से आए होंगे, पैदा हुए होंगे, तो उसी बात को इन्होंने सेल के ऊपर बोला, रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी में, कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी अभी सेल हम लोग देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोप में, जब वो देख रहे थे या हम अभी देखेंगे लैब में, तो वो किस सेल से आया होगा? अपने पहले वाले सेल से, ठीक है। एक सेल दूसरे सेल को जन्म देता है, कैसे देता है? सेल डिवीजन के थ्रू। सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है जिससे एक सेल दो सेल में बनता है, दो सेल चार में, ऐसे मल्टीप्लाई होकर फिर ढेर सारे लाखों करोड़ों सेल बनते हैं, फिर बॉडी बनता है, ठीक। तो वही है। तो ये सेल थ्योरी में ये बताया गया कि सभी प्लांट एनिमल के बॉडी जो है सेल से बने हुए हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है जो, और ये लाइफ गिविंग होता है, और साथ में सभी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले वाले सेल से, अपने पूर्व मतलब पहले जनरेशन से ये सेल्स होकर आते हैं। तो ये सब कुछ हिस्ट्री की बातें थी जिसमें इन्वेंशन डिस्कवरी बताया गया था। डिस्कवरीज बताएंगे तो इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। इन्वेंशन मतलब कुछ बनाना, ये तो हम लोग डिस्कवर किए हैं हम इंसानों ने टाइम टू टाइम अलग अलग समय पर। फिर आता है इन्वेंशन। इन्वेंशन में जैसे जैसे टाइम बीता है, इंसान समझदार होता गया, उसका इंटेलेक्ट, उसका जो बौद्धिक क्षमता है, दिमाग उसका जो चलने लगा, काफ़ी वो यूज करने लगा स्किल अपने, तो जिससे क्या हुआ, अच्छे क्वालिटी का उसने माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, लेंस बनाने लगे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास सबसे पहले बना था, और उसी से उन्होंने सेल का खोज किया था, जैसा कि
रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास सबसे सिंपल होता है, जिससे हम लोग किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा ऐसे करके ग्लास रहता है देख सकते हैं, उसमें लेंस रहता है, लगा रहता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें छोटी चीज़ों का इमेज बड़ा दिखता है यानी बड़ी दिखती हैं। तो सबसे पहले सेल्स को, कुछ सेल्स को इसी की हेल्प से देखा गया था, जैसे अमीबा हो गया एक छोटा सा सेल, ठीक है। तो सारे छोटे छोटे जीव जंतुओं को इसकी मदद से देखा गया था, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, युगलिना, ये सब सारे जो सेल्स थे, सारे एक तो सेल थे एक तो ऑर्गेनिज्म थे, यानी सिंगल सेल, इनका पूरा बॉडी एक सिंगल सेल का बना था। जनरली तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो होता है बहुत सारे सेल से बना होता है, लेकिन ये जो है एक ऑर्गेनिज्म भी है, खुद एक सिंगल पार्टिकुलर सेल भी है, अकेला सेल भी है। तो ये एक यूनिक नेचर है हमारे प्रकृति का कि हम लोग को तरह तरह के ऐसे एग्जाम्पल दिखते हैं। तो ये सिंगल सेल भी है, साथ में ऑर्गेनिज्म का भी बिहेवियर करते हैं, तो इनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका पूरा बॉडी एक सेल ही हो, यानी वो सेल एक सेल ही उनका पूरा बॉडी है, वही सब परफॉर्म करता है। जैसा हमारा बॉडी, हमारे बॉडी में तो कई हज़ारों लाखों करोड़ों सेल हैं जो मिल करके बहुत सारे बॉडी ऑर्गन बनाए हैं, जिसमें जिससे अलग अलग काम होता है। लेकिन ये जब जो ये छोटे छोटे सेल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अमीबा, क्लेमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, सब एक सेल है, और यही ये जो फंक्शन हमारे बॉडी में होता है वो फंक्शन उनके में भी होता है। उसमें सेल के अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो इन फंक्शन को कंट्रोल करते हैं या प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो इनको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, क्योंकि इनका पूरा बॉडी एक सिंगल सेल से बना हुआ है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, बड़े प्लांट, एनिमल और बहुत सारे जीव जंतु हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी उनका सेल मतलब उनका बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। वो सेल का संख्या 2 भी हो सकता है या लाख, करोड़, बिलियंस, मिलियंस, जितने भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें सेल का साइज क्या है और सेल का शेप क्या है और उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है, उसके बेसिस पे उसके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। छोटा ऑर्गेनिज्म रहेगा तो कम रहेंगे एज कम्पेयर टू बड़े, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, अब फिर से वही एक्टिविटी, इसमें एक एक्टिविटी दिया है ओनियन रूट का, कि आप जैसे ओनियन पील क्या किए थे, वैसे ओनियन टेम्प्रेरी अमाउंट ऑफ लीफ पील टिप ऑफ रूट ओनियन इवन फ्रेंड्स, हाँ वही सेम एक्टिविटी दिया है कि आप जो ओनियन पील का एक्सपेरिमेंट है खुद से करिए लैब में, खुद से मतलब कि टीचर के निगरानी में, टीचर से पूछ करके जैसा जैसा वो स्टेप बताएं वैसे फॉलो करिए, उसको करके देखिए कि वाकई में जो बुक में पढ़ाया गया है वैसा ही सेल्स दिखता है ओनियन का कि कुछ डिफरेंट दिखता है। आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि सेम है कि डिफरेंट है, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ वाकई में सेल्स ऐसे शेप के भी होते हैं। अदरवाइज आपको केवल बोला जाएगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए प्रैक्टिकल कराई जाती है ताकि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको देखें लैब में करके, तब आप सेटिस्फाई होंगे कि यस, कि वाट एवर आई एम स्टडिंग इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू, ये सही है। तो अब आगे का टॉपिक जो है वो है शेप ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल यानी कि सेल के आकार, सेल बहुत सारे आकार के हो सकते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। स्पिंडल शेप का मतलब कि रिबन जैसा रहेगा लेकिन साइड में थोड़ा सकरा रहेगा, पॉइंटेड रहेगा। फिर कुछ ओवल शेप रहेंगे, कुछ ब्रांच शेप रहेंगे, ब्रांचिंग में अलग अलग आकार के रह सकते हैं, कुछ सर्कुलर रहेंगे, कोई बॉल शेप का रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे शेप के सेल्स होते हैं और पाए गए हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में या अलग अलग एनिमल्स में ऐसे पाए गए हैं। यानी सेल का शेप जो है वेरी करता है, एक जैसा सभी में नहीं होता है। उसके बाद और कुछ तो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने सेल का शेप चेंज करते रहते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म, सेल बना हुआ ऑर्गेनिज्म, और ये अपने सेल को यानी अपने बॉडी को चेंज करता रहता है अपने फूड की तलाश में, अपने प्रे के, अपने शिकार की तलाश में ये बॉडी का शेप चेंज करता रहता है। किस और क्या बनाता है, सूडोपोडिया। जिस तरफ भी मान लीजिए ये मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, इसका एक इरेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स शेप नहीं है, और इधर एक इसका शिकार आ गया, ये इसका शिकार आ गया वायलेट कलर का। तो जैसे इसका शिकार आएगा ये अपने यहाँ के सेल्स के को बड़ा कर लेगा और फैलाते जाएगा और अल्टीमेटली इसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। तो वो जो ये जो बनता है इसको सूडोपोडिया बोलते हैं, अपने सूडोपोडिया या उसका बॉडी ऑर्गन, ठीक है। सूडोपोडिया का क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं उसका हाथ, यानी जिधर से भी उसके प्रे उसके सेल के बॉडी से गुजरेगा उधर से वो सूडोपोडिया बना लेगा और उसको ग्रैस्प कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। इस तरह से बहुत सारे सेल्स हैं जो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग आकार के, और अलग अलग सिचुएशन में अपने शेप को चेंज भी कर सकते हैं, ये भी होता है। अब हर जो सेल है वो कुछ पार्टिकुलर बेसिक फंक्शन करता है, क्या क्या फंक्शन करता है उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, तो जिस तरह से हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, ऐसे ही बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं और अलग अलग सिस्टम है, ठीक है, जो अलग अलग तरह के फंक्शन हमारे बॉडी में करते हैं, जिससे हमारा बॉडी रेगुलेटेड वे में सर्वाइव कर पाता है, रहता है जिंदा। अगर ये सिस्टम कोई एक भी गड़बड़ हो जाए तो सारा फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगा और डेड भी हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह सेल भी होते हैं, सेल में भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, किसी पार्ट का फंक्शन होता है फूड बनाना, किसी पार्ट का फंक्शन होता है एनर्जी बनाना, किसी पार्ट का फंक्शन होता है डाइजेशन करना, जैसे हमारे में स्टमक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, और किसी पार्ट का फंक्शन होता है वेस्ट को निकालना, किसी पार्ट का फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट को बाहर से लेना, ठीक है, ट्रांसफर में हेल्प करना। इस तरह जिस तरह हमारा ह्यूमन बॉडी काम करता है, अलग अलग ऑर्गन मिलकर के ह्यूमन बॉडी को या प्लांट बॉडी को जिंदा रखते हैं सारे सिस्टम, उसी तरह एक सेल में भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, सेल के भी छोटे छोटे यूनिट्स, जिसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, यानी सेल के छोटे पार्ट्स। ऑर्गन मतलब होता है किसी भी बड़े चीज़ का बड़ा हिस्सा, जैसे हमारा बॉडी, हमारे बॉडी में ये मेरा हाथ हो गया है, ये मेरा ऑर्गन हो गया, या फिर कह सकते हैं हार्ट हमारा ऑर्गन हो गया, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। हमारे ब्लड में हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, तो ये सब ऑर्गन हो गया। लेकिन जब कोई छोटा चीज़ है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, और उसका भी कोई उससे भी बहुत कई गुना छोटा उसका पार्ट है, तो उसको ऑर्गन न बोल करके ऑर्गेनेल बोलेंगे। ऑर्गेनेल का मतलब होता है बहुत ही छोटा सूक्ष्म हिस्सा। तो सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सेल को जिंदा रखने में मदद करते हैं, सेल को मैच्योर रखते हैं और सर्वाइव रखने में हेल्प करते हैं। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, व्हाट ये आपका एक्टिविटी है, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी सेल किससे मिलके बना होता है, किस किस चीज़ से, किस किस पार्ट से, क्या उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में किन किन चीज़ों का हाथ है, तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इस टॉपिक में। तो सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया अलग अलग समय पे, और जितने एडवांस माइक्रोस्कोप से देखा गया उतना ही क्लियर पता चलता गया कि सेल क्या, किस किन किन चीज़ के बना है। तो मोस्टली अगर सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो हमको क्या दिखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये कुछ कॉमन पार्ट्स जनरली सभी माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं, ठीक है। ऑल द एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड द इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स, जो भी सेल्स के पार्ट हैं वो इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं सेल को बाहरी एनवायरनमेंट से, वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। आइए पहले सेल के
कुछ बाहरी हिस्से के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, हाँ तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सब जो सबसे बाहरी लेयर होता है सेल का, कॉमनली देखा जाए तो, अगर प्लांट सेल में तो उसके बाहर भी एक लेयर होता है सेल वॉल, उसको अगर छोड़ के देखें तो एक नॉर्मल सेल में क्या पाया जाता है कॉमनली, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो होता है एक बहुत ही थिन लेयर होता है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना हुआ, यानी फॉस्फोरिक एसिड जो फैटी एसिड के फॉर्म में होता है, यानी फैट के फॉर्म में। फैट जो होता है फ्लेक्सिबल होता है और स्लिपरी होता है, स्लाइम होता है, काफ़ी स्मूथ होता है, और उसमें बीच बीच में एक्सचेंजिंग इंटीरियर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं। तो इसी फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बना होता है, यानी दो लेयर से, दोहरे लेयर से बना रहता है, और यही लेयर जो है बहुत फ्लेक्सिबल स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, जो सेल को एक पार्टिकुलर आकार दे देता है, ठीक है। और ये जो लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल यानी ये परमिएबल नहीं है, परमिएबल का मतलब कोई भी चीज़ इसके अंदर आ जाए चला जाए ऐसा नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन में जो चीज़ों की ज़रूरत है वो अंदर आएंगी और जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो बाहर जाएंगी, उसके अलावा अननेसेसरी चीज़ें इंटर नहीं कर पाएंगी। तो सेलेक्टेड चीज़ों को ही ये अंदर आने देता है और सेलेक्टेड चीज़ों को ही वो बाहर रिमूव करता है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी सेलेक्टिवली सेलेक्ट करके ये परमिएबल है। कुछ ही चीज़ों के लिए ये परमिएबल है, सभी चीज़ों के लिए परमिएबल नहीं है, कम्प्लीटली परमिएबल नहीं है, ये सेलेक्टिवली ये है। जो न्यूट्रिएंट है या अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं उनको ये आने देगा, जो हार्मफुल वेस्ट वगैरह बन गया है अंदर वो अंदर से बाहर फिर रिमूव होगा, क्योंकि वो अंदर रहेगा तो सेल को प्रॉब्लम करेगा, सेल का डेथ हो सकता है। तो ऐसे एक्टिविटी जो ज़रूरी है उसको सेलेक्ट करके ही वो ये परमेबिलिटी प्रॉपर्टी अपना शो करता है, ये बाउंड्री जो सेल का बाउंड्री होता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसमें जो भी चीज़ें अंदर आती हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के बाहर, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाती हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि आप केमिस्ट्री में भी पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए ये एक सेल हो गया और इसमें कोई चीज़ इतना है, रेड कोई चीज़ मान लीजिए, और बाहर रेड इतना है, कहाँ पे ज़्यादा है रेड, यहाँ सेल के अंदर, और कम किया है बाहर। मान लीजिए रेड जो है वेस्ट है, तो वेस्ट जो है जहाँ काम ज़्यादा होता है वहाँ वेस्ट ज़्यादा क्रिएट, तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर, वेस्ट बन गया ज़्यादा, बाहर जो सोल्यूशन वेस्ट कम है। तो अब क्या होगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से वेस्ट बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर अपने वेस्ट जो है कम था, ठीक है। ऐसा ही रिवर्स सिचुएशन हो सकता है, रिवर्स सिचुएशन में क्या होगा कि बाहर में मान लीजिए न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है जो ज़रूरी है सेल के लिए, अंदर न्यूट्रिएंट कम है, तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होता है, बाहर से अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन से हो करके, सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ करेगा, देन ओनली वो इंटर करेगा। ऐसे ही कोई अननेसेसरी न्यूट्रिएंट इंटर नहीं कर पाएंगे, जिसकी ज़रूरत है वही सफिशियंट अमाउंट में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही पास आउट होगा। तो ये इस तरह की मूवमेंट होती है, तो डिफ्यूजन एक तरह का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एक आप वर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है स्पॉन्टेनियस, एक मिनट, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब जो अपने आप एक नॉर्मल स्पीड से हो, बिना उसमें कोई इंटरप्शन किए, ह्यूमन इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे नदी का पानी या झरने का पानी ऊपर से पहाड़ों से नीचे की तरफ गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, तो जो चीज़ें अपने आप होती हैं बिना एक्स्ट्रा किसी फोर्स के, उनको हम लोग
स्पॉन्टेनियस मूवमेंट या स्पॉन्टेनियस फिनोमेना बोलते हैं। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस भी एक तरह का स्पॉन्टेनियस है, हमेशा हाई से लो की तरफ होता रहता है और ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ट्रांसफर हाई टू लो। अब जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हार्मफुल है सेल के लिए बहुत, तो जब बहुत सारा रेस्पिरेशन और बहुत सारी एक्टिविटी होगी सेल के अंदर तो CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, जबकि बाहर सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल कम रहेगा। तो सेल तो CO2 कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अंदर से सेल के अंदर से सेल के बाहर, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ, ठीक ना। तो इस तरह होता है। अब जस्ट अब CO2 तो हार्मफुल था वो निकल गया यानी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, अब ऑक्सीजन हमारे सेल के बाहर है, ऑक्सीजन O2। अब ये ऑक्सीजन का मात्रा बाहर ज़्यादा है और अंदर, अंदर तो CO2 ज़्यादा हो गया था, ऑक्सीजन कम हो गया है था, तो ऑक्सीजन अंदर कम है बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का सब सप्लाई बाहर से अंदर की तरफ होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। तो इस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करने में, सेल के अंदर से सेल के बाहर या सेल के बाहर से सेल के अंदर। तो इस तरह की परमेबिलिटी सेल जो शो करता है, जो कि सेलेक्टिवली परमेबिलिटी है, कुछ चीज़ों को जो ज़रूरी है सेल के लिए उन्हीं को सेलेक्ट करके अंदर एक्सेप्ट करता है, अलाउ करता है ट्रांसफ़र होने के लिए, बाकी चीज़ को ब्लॉक कर देता है। तो इन तरह की कुछ चीज़ें थी। अब आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद एक और टॉपिक आता है जो डिफ्यूजन से ही रिलेटेड है। डिफ्यूजन फेनोमेना ही है, लेकिन जब डिफ्यूजन जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन जनरली डिफ्यूजन जो होता है कहीं भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, उसके लिए मेम्ब्रेन रहे या न रहे तब भी वो फेनोमेना होता है, ठीक ना। वह यहाँ तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल में तो मेम्ब्रेन बीच में बैरियर आ रहा है, तो बिना मेम्ब्रेन से पास हुए कोई चीज़ अंदर या बाहर नहीं जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग बार बार मेम्ब्रेन का जिक्र कर रहे थे। ओवरऑल डिफ्यूजन एक ऐसा फिनोमेना है कि कोई चीज़ हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी ज़्यादा मात्रा वाले जगह से कम मात्रा वाले जगह तक जाता है, चाहे बैरियर उसमें रहे या ना रहे, ठीक। अब यहाँ पे डिफ्यूजन का दूसरा जो फॉर्म है कह सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में वाटर या वाटर में डिजॉल्व चीज़ें, पानी या पानी में घुली हुई जो चीज़ें हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन या पानी का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज़्यादा है किधर कम है उसके मूवमेंट को देखा जाता है, और साथ में बीच में एक परमिएबल मेम्ब्रेन भी हो या सेल मेम्ब्रेन हो, यानी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी सेल मेम्ब्रेन को पार करके कोई चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी जा रहा है वाटर, उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। यानी ऑस्मोसिस फेनोमेना बिना मेम्ब्रेन के पॉसिबल नहीं है। ऑस्मोसिस समझना या ऑस्मोसिस होने के लिए एक मेम्ब्रेन होना, दो बीच चीज़ों के बीच में बैरियर के रूप में एक मेम्ब्रेन होना जरूरी है। डिफ्यूजन के लिए जरूरी नहीं था कि बैरियर हो। यहाँ पे जो सेल का स्टडी हम लोग कर रहे हैं तो सेल में मेम्ब्रेन तो होगा ही, तो सेल के अंदर या बाहर जो भी चीज़ें पानी में घुल के जा रही हैं वो ऑस्मोसिस फेनोमेना के थ्रू होके जा रही हैं, उसको हम लोग डिफ्यूजन तो बोलेंगे ही, लेकिन डिफ्यूजन का एक दूसरा फॉर्म है, या डिफ्यूजन को दूसरा वर्ड दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है ट्रांसफ़र के लिए, बिना मेम्ब्रेन के तो अलाउ करने के कोई भी चीज़ अंदर या बाहर नहीं जाएगी, तो इसलिए इसको ऑस्मोसिस फिनोमेना बोलते हैं। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विच इज डिजॉल्व इन वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस दोनों तरफ इधर से उधर कोई भी चीज़ पानी में घुली हुई चीज़ जब मेम्ब्रेन के इधर या उधर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ये हो गया। अब ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। प्लांट सेल, हाँ चाहे प्लांट सेल ले लें चाहे एनिमल सेल, किसी को भी लेकर के हम लोग ये नीचे दी हुई एक्टिविटी को कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट सेल या एनिमल सेल को हम लोग शुगर सोलूशन में डाल दें, चीनी के सोलूशन में या नमक के सोलूशन में, नमक घुला हुआ पानी में उसमें डाल दें तो क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग समझने के लिए पहले ये
तीन टॉपिक समझने जरूरी है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपो जो वर्ड होता है, हाइपो दिस दिस इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मीन्स लो, ठीक है, हाइपो मीन्स लो, हाइपर मीन्स हाई और आइसो मतलब सेम। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये इतना बड़ा सेल है। अब क्या होता है कि ये इसमें न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, कोई न्यूक्लियस को दूसरे कलर से बना देते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, और अदर सेल ऑर्गेनल उसमें साइटोप्लाज्म में है, ऐसे एक सेल हो गया। अब इस सेल को हम लोग कहाँ डाल देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर ले लिए जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, इसमें उसी सेल को डाल दिए। इतना बड़ा सेल था मान लीजिए, उसका न्यूक्लियस सेंटर में है, बाकी चीज़ें हैं, तो पानी भरा हुआ है, तो पानी का, वाटर का अमाउंट सेल में कम है, क्योंकि सेल में न्यूट्रिएंट और जेल लाइक सब्सटेंस ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म में, तो पानी सेल के अंदर कम है और बाहर इस कंटेनर में ज़्यादा है। तो कहाँ से कहाँ पानी मूव करेगा, कंटेनर से सेल के अंदर पानी मूव करेगा ना, कंटेनर से सेल की तरफ पानी अंदर मूव करेगा, क्लियर। अब जब सेल के अंदर पानी मूव करेगा तो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, स्मूथ है, सॉफ्ट है ना, फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बना हुआ है, तो वो सेल फूलेगा, तो क्या रिजल्ट होगा, आइए देखते हैं। रिजल्ट में ये कंटेनर मान लीजिए, इतना बड़ा सा कोई कंटेनर है, कोई सेम साइज कंटेनर बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा बनाना मुश्किल है, फिर भी बना रहे हैं, ये कंटेनर हो गया। उसके बाद इसमें सेल, पहले छोटा था, अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि पानी बहुत सारा इसके अंदर आ गया है और न्यूक्लियस इसका तो है ही बीच में, तो सेल का साइज बड़ा हो गया। सेल क्या हो गया, सेल स्वेल कर गया, ठीक है, फूल गया, सेल फूल गया, स्वेल हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्जिड कंडीशन, क्या बोलते हैं, टर्जिड कंडीशन, टर्जिड, टर्जिड कंडीशन, टर्जिड मतलब सेल फूल गया। फिर फूल क्यों गया, क्योंकि इसमें एंडोऑस्मोसिस हो गया, इससे एक और नया वर्ड बन गया, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है कि वाटर जो है बाहर से सेल में एंटर कर गया, जिससे सेल का साइज बढ़ गया, तो उसको हाइपोटोनिक एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। और जो बाहर का सोल्यूशन था उसमें पानी की मात्रा क्या थी, ज़्यादा थी, और न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या थी, कम थी। तो जहाँ पे न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है, मिनरल्स की मात्रा कम और वाटर ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे मिनरल्स कम होंगे, और मिनरल के अमाउंट के बेसिस पे ही हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक नाम दिया जाता है सोल्यूशन का। पानी जहाँ ज़्यादा था, यानी इस केस में, पहले केस में हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पानी ज़्यादा, यानी बाकी जो मिनरल्स वगैरह सॉल्ट हैं उनका मात्रा कम, तो दैट्स वाई इसको हाइपोटोनिक बोला जाता है। किससे कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में, क्योंकि हम लोग सेल से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सेल में ही इसका ट्रांसफ़र हो रहा है पानी का, ठीक। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने पर सेल स्वेल कर जाता है, क्योंकि पानी उसके अंदर इंटर कर जाता है सेल में, ठीक है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक पे, दूसरा जो पॉइंट है वो आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है, आइसो मीन्स सेम, यानी एक ऐसा सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन, यानी जिसमें मिनरल और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है जितना कि अंदर सेल में है, और साथ में वाटर भी बराबर है, समझ रहे हैं बात, कि पानी और मिनरल जितना सेल में है उतना ही बाहर पानी और मिनरल का अमाउंट है। जब दोनों जगह अमाउंट इक्वल होगा तो कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, तो सेल का साइज जैसे का
तैसा रहेगा, ना वो सेल का साइज स्वेल करेगा फूलेगा ना ही सिकुड़ेगा। ठीक, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द शेप ऑफ द सेल एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन सराउंडिंग द सेल इज सेम एज दैट ऑफ द सेल, सेल के कॉन्सेंट्रेशन के ही बराबर है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हाइपरटोनिक। हाइपर का मैंने बताया था मतलब ज़्यादा, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि बहुत हाइपर हो रहे हो, यानी हाइपर गुस्सा हो रहे हो, यानी ज़्यादा हो रहे हो, तो उसी तरह हाइपर एक वर्ड है जिसका मतलब है ज़्यादा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि सेल के अंदर के एनवायरनमेंट के कंपेरिजन में बाहर का जो सराउंडिंग सोल्यूशन है जिसमें सेल को डुबोया गया है मान लीजिए, तो उसका सोल्यूशन उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, उसमें पानी कम होगा और मिनरल सॉल्ट ज़्यादा होगा, तब उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। ठीक, अब हाइपरटोनिक है यानी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो पानी बाहर कम है, और पानी जब बाहर कम है तो कहाँ पे ज़्यादा है, सेल के अंदर। तो अब पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है, वो अंदर से सेल से मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर की तरफ आएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और उसके बाद क्या होगा कि सेल के अंदर का पानी निकल जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा साइज में या सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक पिक्चर से समझते हैं। मान लीजिए एक मिनट, इसको हम लोग समझते हैं एक पिक्चर ड्रॉ करके, ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। ये कोई कंटेनर ले लिए, ठीक है, उसमें एक सेल डाल दिए और कंटेनर में पानी है, उसमें मिनरल्स हैं जैसा कि है, और मिनरल में सॉल्ट भी ज़्यादा है कंटेनर में एज कम्पेयर टू सेल, और पानी कम है, पानी तो अंदर ज़्यादा है सेल में, सेल में न्यूक्लियस एक है ब्लैक कलर का बना देते हैं। ठीक, अब कंटेनर ये हो गया। अब क्या होता है कि सेल इतना बड़ा उसमें डिप किए थे किसमें, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, ऑस्मोसिस हुआ, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी का मात्रा किसमें ज़्यादा है, अंदर सेल में ज़्यादा है और बाहर कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर एरिया की तरफ मूवमेंट होगा, सेल से किधर मूव करेगा, बाहर की तरफ ना, ये बाहर की तरफ मूव करेगा, तो सेल से बाहर की तरफ इसका